दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉड। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर एक बेल आइकन शो करेगा। ये देखिए बेल आइकन शो कर रहा है, आपको इसे ऑन कर देना है। उससे फ्रेंड्स होगा क्या कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल पर तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस ऐप का नाम है किनेमास्टर। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर से वो जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देखिए किनेमास्टर, ये वाला ये किनेमास्टर ऐप है जो आपको वहाँ से इंस्टॉल करना है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमारा ये किनेमास्टर ऐप ओपन हो चुका है। अब हम इसे प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइल का नेम दिया हुआ है तो आपको इस पर फाइल का नेम डालना है और ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन दिया है तो आपको बैकग्राउंड एक कोई सा भी चूज कर लेना है। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं थीम्स वगैरह, तो इनको हम रहने देते हैं, हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपको जितने भी फीचर चाहिए इसमें सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है लेयर में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं सारे लेयर के जो हैं सारे जो फीचर है वो एक एक करके बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इमेज, इमेज पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमने इमेज से एक इमेज सेलेक्ट कर ली। ये देखिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया, ये देखिए इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। इमेज सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना। तो ये होगा पहला फीचर, आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज रिसाइज कर सकते हो। अब सेकेंड ऑप्शन है इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑप्शन में हम जाते हैं तो बेसिक इफेक्ट में। इसमें फ्रेंड्स क्या है, आपने मेरे काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि मैं कुछ भी जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें रहती, प्राइवेसी वाली, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप के कुछ नंबर जो ब्लर करके रखता हूँ वो यहाँ से होता है। ये देखिए अब मैं इसे राइट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये ब्लर का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने इसको, ये देखिए हो गया ब्लर। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा कैपेसिटी लिखा है यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो ब्लर। ओके फ्रेंड्स, अब मैं राइट के साइन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप ब्लर कर सकते हो। मैं इसे अभी रिमूव कर देता हूँ। अब हम थर्ड फीचर की बात करते हैं लेयर में, वो है ओवरले। ओवरले फीचर ये है कि इसमें काफ़ी सारे स्टिकर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, यदि अगर इस बॉल को यूज़ किया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसमें काफ़ी सारे वो भी हैं फीचर जिससे आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारे फीचर हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। अब लेयर पे हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जैसे मैं टेक्निकल गॉड लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में, कैसे लिखता हूँ वो बता देता हूँ आपको। टेक्निकल ये मैंने लिखा, ओके पे क्लिक किया। ये देखिए सिंपल में, अब जो यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है ये मैं कैसे लिखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला एंड्रॉयड, इसमें काफ़ी सारे फॉन्ट है जिससे आप जो फॉन्ट लिखा हुआ उसे चेंज कर सकते हो। जैसे बोल्ड पे करना है, ये देखिए फॉन्ट बोल्ड होगा, डबल से हम गए, अब बोल्ड नहीं करना हमने तो यहाँ से हमने हटा दिया इसे। अब लेटिन पे जाते हैं, अब जो मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ से यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने डन पे क्लिक किया, ये देखिए सेम टू सेम टेक्निकल उसकी तरह लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एनिमेशन है तो यहाँ से आप फॉन्ट को आकार दे सकते हो, आपको किस टाइप में चाहिए, स्लाइड राइट में ऐसे, स्लाइड लेफ्ट में इस साइड से आएगा फॉन्ट, अप में ऊपर, डाउन में नीचे, ये काफ़ी अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है, ड्रॉप। तो फ्रेंड इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद जो एनिमेशन के बाद था ओवरऑल एनिमेशन, ये था सेकंड ऑप्शन। इसमें और भी काफ़ी अच्छे फीचर, जैसे मैं आपको बताता हूँ पल्स टाइप में, अब ये जीटर टाइप में बताता हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फाउंटेन टाइप में बता रहा हूँ, ये देखिए और भी अच्छा है, रिंग में और भी काफ़ी अच्छा है, फ्लोटिंग में इसमें तो और भी अच्छा है, ड्रिफ्टिंग। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो ओवरऑल एनिमेशन में। अब ये फॉन्ट में मैं आपको आउट एनिमेशन भी है, जिसमें स्लाइड राइट, ये देखिए स्लाइड लेफ्ट,
स्लाइड, बस इसमें है कि जो रनिंग टेस्ट का रहता है वो स्लो रहता है काफ़ी। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी फिर यहाँ पर अल्फा ओकेपेसिटी पे से आप जो टेस्ट है आपका, इसको यहाँ पर हम गए, यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, इसे ब्लर मतलब इसका जो डिफेक्ट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अब उसके बाद रोटेट मिररिंग, आप इसको रोटेट कर सकते हो उल्टा सीधा जैसा भी आप करना चाहें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस टेस्ट को हटा देता हूँ अब, क्योंकि इसका काम रहा नहीं है। अब लेयर पे हम जाते हैं, लास्ट ऑप्शन हेड राइटिंग। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से एक एरो का साइन दिखा रहा है, आपको इसको डन कर देना। अब ये देखिए, जो मैं एरो लाता हूँ वो यहाँ से लाता हूँ। अब मैंने इसे डन किया, डबल से एरो पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देखिए, इस टाइप से मैं ड्रॉ बाय स्ट्रोक करता हूँ इसे। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे एरो में कैसे लाता हूँ। अब उसके बाद अब मैं एरो हटा देता हूँ, अब मैं उसी हेड राइटिंग में जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर पर क्लिक करता हूँ, स्क्वायर से मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ जो आपने देखा होगा। फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है आपको। अब इसको मैं सही आकार में ले गया और यहाँ पर वापस क्लिक किया और ड्रॉ बाय स्ट्रोक। तो इस तरीके से मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ किसी भी टेस्ट वगैरह पे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अब हम नेक्स्ट इसी पे जाते हैं। अब जो है सर्कल, तो ये देखिए सर्कल भी, ये सर्कल मैंने बना दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब वापस इसी पे एक और ऑप्शन है। अब ये जो है, यहाँ से आप ये जो सर्कल में चूज़ कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ से, और ये जो रबर है इससे आप इसको, सॉरी मैं बताता हूँ डबल से आपको, ये काफ़ी सारा इसमें, ये देखिए इसको, इसमें भी काफ़ी सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब मीडिया ब्राउज़र में फ्रेंड्स क्या है, मीडिया ब्राउज़र में आप यहाँ से आप कोई सा वीडियो चूज़ करना तो आप मीडिया ब्राउज़र से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने वीडियो चूज़ किया है, अब ये मैंने वीडियो चूज़ कर लिया, तो ये मीडिया ब्राउज़र से होगा ओनली। अब जो वॉइस है, वॉइस का क्या मतलब है यहाँ पर, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये वीडियो मैंने बनाया है, यदि इसका वॉइस ठीक नहीं है तो मुझे इस वीडियो पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर साउंड के ऑप्शन पर जाना है और इसका पूरा जो साउंड है उसे बंद कर देना है। तो अब इस वीडियो में बिल्कुल भी साउंड नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वॉइस पर क्लिक करता हूँ और इस वीडियो का साउंड यहाँ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मतलब इसमें अलग से एक साउंड डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पर एक नया साउंड डाल सकते हैं। और इसी वीडियो पर हम डबल से क्लिक करते हैं और ये जो हमने साउंड म्यूट किया, यहाँ से आप इसका साउंड डबल भी कर सकते हो। और भी ज़्यादा आपको यदि वीडियो का साउंड चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने यदि कम साउंड में कोई सा वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप यहाँ से इसका साउंड ज़्यादा बढ़ा सकते हो और यहाँ से उसका साउंड और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। फिर आप राइट पर क्लिक कर देना तो ये साउंड काफ़ी बढ़ जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारा ऑडियो, तो हमने ऑडियो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर म्यूजिक असिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यूज़ करता हूँ वीडियो में, वो सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको चला के बताता हूँ। अब प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो जाएगा हमारे वीडियो में। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं सही के साइन पर। अब ये देखिए, प्ले करते हैं। अब ये बैकग्राउंड साउंड को कम ज़्यादा करना हो तो बैकग्राउंड साउंड के इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर साउंड में इसका साउंड कम कर दिया हमने। अब ये देखिएगा, साउंड कम होगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी, ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको साउंड किस प्रकार मैंने कम किया है। तो और बाकी इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्डेड सॉन्ग्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था काइन मास्टर का फुल डिस्क्रिप्शन कि मैं कैसे क्या करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो को हमने बना तो लिया, अब इसे सेव कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया, अब ये जो देखिए अनटाइटल्ड 12 नाम से हमने वीडियो जो बनाया था वो यहाँ पर आ गया। अब इस पर हमें डबल से क्लिक करना है। अब हमें यहाँ जाना है शेयर के साइन पे, सेव वीडियो टू गैलरी लिखा है, इस पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन क्वालिटी दी हुई है, फुल HD, हाई डेफिनेशन और मीडियम क्वालिटी। तो आपको फुल HD पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका वीडियो जो है एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसे कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, आप उसे YouTube पे अपलोड कर सकते हो या अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स,
तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।